वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। सीमा पार से दुश्मन करेगा वार, आईएसआईएस ने रच डाली किताबी साजिश, हिंदू धर्म को आतंकी संगठन ने बनाया निशाना। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलता आतंकियों का आईएसआईएस संगठन हर बार अलग अलग तरीकों से भारत को दहलाने की साजिशें करता रहता है। इसके लिए हर नायाब तरीकों के जरिए आतंक के पक्के ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस ने इस बार किताबी साजिश रची है। इस संगठन का एकमात्र टारगेट भारत और यहाँ के हिंदू हैं। इस बार हिंदू धर्म को निशाना बनाते हुए आईएसआईएस के आतंकी आकाओं ने मुस्लिम देश होने के बावजूद द वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका चला रखी, जिसका टाइटल हिंदुओं और हिंदुस्तान से तो मिलता है, लेकिन इसके कवर पेज से लेकर इसके भीतर हर पन्ने में उगला गया चेहर हिंदुस्तान से रत्ती भर भी मेल नहीं खाता। द वॉइस ऑफ हिंद के कवर पेज पर ये तस्वीरें देखिए। भगवान शंकर के बिना सिर की मूर्ति को कवर पेज पर लगाकर आईएसआईएस के आतंकियों ने न सिर्फ हिंदुओं की आस्था पर गहरा चोट किया है, बल्कि पूरे भारत को उकसाने की कोशिश भी की। हर बार ये आतंकी नाग भारत के खिलाफ ऐसी ही साजिशें करता है, लेकिन भारत की फौज और भारत सरकार इन आतंकी नागों को नेवलों की तरह दो टुकड़े करती आई है। फिर भी इन बेशर्म जिहादी आतंकी पाठशाला की पैदाइशों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। इसके पीछे का कारण है बदमाश पाकिस्तान, जो हरे झंडे के भीतर काले कारनामों को सह देता आया है। भारत की सरजमी पर चोट करने की कस्में खाने वालों को रोटी और बोटी खिलाता है, पालता है, पुचकारता है ये घटिया पाकिस्तान। लेकिन सनद रहे पाकिस्तान के पजामे में भारत की फौज इतनी गोलियां दागेगी कि वजीर आजम मियां इमरान से लेकर हर आतंकी जाहिल के पखाने से भलभला तक खून निकलेगा। आतंकी आकाओं ने इस किताबी साजिश के अलावा कई बार डिजिटल तरीके से भारत के मुसलमानों को इंतकाम का इल्म कराने की कोशिश की। साल 2020 में अयोध्या के राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय मुस्लिमों को बाबरी मस्जिद की याद दिलाई गई। कोर्ट के फैसले को न मानने के लिए उकसाया गया। देश में जिहाद के लिए मुसलमानों को सड़कों पर उतरने का घटिया ज्ञान इसी आईएसआईएस संगठन ने दिया। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ रची इस काली साजिश के खिलाफ देश की तमाम एजेंसियां हर वक्त अलर्ट है। देश के बाहर बैठे ये दुश्मन देश के भीतर कुछ ऐसे ही मानसिकता वाले गद्दारों को अपनी ओर खींचता है, अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचाने की साजिश रचता है। लेकिन सनद रहे देश में सरकार मोदी की है, वही मोदी जिसने दो बार सेना को सीमा पार घुसेड़कर पाकिस्तान को उसकी औकात बताई है। समझ जाओ पाक के भीतर बैठे जहर उगलते नागों, वरना दास से दिमाग सटका तो नस निपटाने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।